आई थिंक पूरे महीने में ऐसा मुश्किल से होता है कि हम लोग रॉक के एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो, लेकिन कल जो शो होने वाला है वो होगा काफी ज्यादा धांसू शो। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रेसलमेनिया बैकलैश के बाद के रॉक के एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जो कि होने वाला है कल का मंडे नाइट रॉक का शो। रेसलमेनिया बैकलैश तो काफी धांसू हो गया, लेकिन अगला आने वाला हेल इन अ सेल का पे पर व्यू, और हेल इन अ सेल का जो शो है वो रॉक की तरफ से किस तरीके का होगा, इसकी जो शुरुआत है वो हमें कल के रॉक के एपिसोड में दिखाई देगी। इसलिए भाई मैं और ज्यादा एक्साइटेड रॉ के लिए हूं, और ऊपर से कल शो के ऊपर काफी सारी धमाल और कमाल की चीजें होने वाली हैं। बॉबी लैशली का नेक्स्ट अपोनेंट पता लगेगा आने वाले टाइम में। अब क्या ड्रू मैकइंटायर का होने वाला है, मे बी आरके ब्रो भी हमें एक मैच के अंदर कंपीट करते हुए नजर आ सकते हैं। शेमस का नेक्स्ट फ्यूड भी हो चुका है रिवील। तो भाई जो सारी बातें हमें कल के रॉ के एपिसोड के अंदर दिखाई दे सकती है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। मे बी कुछ सरप्राइज रिटर्न भी हो सकती है। तो ये कुछ चीजें जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे कल का रॉ के एपिसोड का पूरा प्रीव्यू सिर्फ कुछ ही मिनट के अंदर। सो विदाउट wasting any time, let's begin this video. तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले US टाइटल पिक्चर के बारे में, क्योंकि हमने देखा जो रेसलमेनिया बैकलैश का शो था वहां पर भी शेमस हमें US टाइटल का ओपन चैलेंज देते हुए नजर आता है, और इस चैलेंज को द वन एंड ओनली रिकोशे करते हैं। एक्सेप्ट मैच के अंदर जरूर शेमस की जीत होती है, लेकिन मैच के बाद जो रिकोशे है वो हमें कुछ पंगे टाइप से लेते हुए नजर आते हैं शेमस के साथ में, जब उनकी जो टोपी और जो पूरा कोट वगैरह पहन के आते हैं वो हमें खुद पहनते हुए नजर आते हैं, और एक तरह का शेमस को हमें यहाँ पर टॉन्ट करते हुए नजर आते हैं। और मैच के बाद हमला करने का मतलब तो आप जानते हो कि WWE इन दोनों की हमें एक रेवलरी टाइप दिखाई देगी। रेवलरी वैसी होगी जैसे शेमस और हम्बर्टो की थी। अनफॉर्चुनेटली हम्बर्टो थोड़ी टाइम के लिए इंजर हुए हैं, वो WWE से बाहर हैं, तो लगता है ऐसे कि जो हम्बर्टो की जगह है वो रिकोशे ने ले ली है, और मे बी कल रॉ के एपिसोड के अंदर या फिर डायरेक्टली शेमस और रिकोशे का मैच होगा, या फिर शेमस एक बार फिर US टाइटल का ओपन चैलेंज देंगे और रिकोशे एक बार फिर हमें उसे एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे। तो जो मर्जी कह लो, मे बी शेमस का एक और काफी कमाल का और धांसू मैच कल रॉ के एपिसोड के अंदर हम सभी का वेट कर रहे हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप पिक्चर के बारे में, तो रिया रिप्ले ने अपनी जिंदगी का अभी फिलहाल का एक बहुत ही बड़ा मैच रेसल किया, जहां पर उन्होंने आस्का और शार्लेट फ्लेयर का एक सिंगल्स मैच के अंदर नहीं बल्कि ट्रिपल थ्रेड मैच के अंदर फेस किया। मैच बहुत ज्यादा जरूर कमाल का था, और मैच के आखिर में रिया रिप्ले हमें आस्का को पिन करने के बाद इस मैच में टाइटल रिटेन करती हुई नजर आती है। लेकिन जब मैच की एंडिंग थी उसमें साफ साफ देखने में ऐसा लग रहा था कि इन दोनों की जो राइवलरी है, दुश्मनी है, वो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस मैच के अंदर शार्लेट फ्लेयर को पिन नहीं हुआ है। तो भाई मे बी ऐसा हो सकता है, आपको याद है शार्लेट और सोनिया डेविल की कितनी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। शार्लेट फ्लेयर की हर ख्वाहिश सेंटा क्लॉज बनके हमें सोनिया डेविल पूरी करती हुई नजर आ रही है। तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि कल के रॉ के एपिसोड के अंदर शार्लेट फ्लेयर हेल इन अ सेल पे पर व्यू के अंदर एक और टाइटल शॉट का डिमांड करने वाली है, और सोनिया डेविल भाई बिना आंखें बंद किए सेंटा क्लॉज की तरह वो हमें गिफ्ट देते हुए नजर आएंगी शार्लेट फ्लेयर को एक और टाइटल अपॉर्चुनिटी रिया रिप्ले के अगेंस्ट। लेकिन इस बार ये मैच हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर के अंदर होने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता तो मे बी कुछ रूमर्स का मानना ये कि WWE एक सरप्राइज रिटर्न भी कल शो के लिए प्लान कर सकते हैं। मैं यहां पर कंफर्म तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा हो सकता है मे बी बेकी लिंच हमें कल शो पर आते हुए नजर आ सकती है, और फाइनली द मैन की हो सकती है वापसी, क्योंकि काफी जल्दी लाइव फैंस की रिटर्न होगी और लाइव फैंस का जो स्वागत है WWE एकदम धांसू तरीके से करना चाहती है। तो ऐसा हो सकता है कि हेल इन अ सेल पेपर व्यू को और अच्छा बनाने के लिए हमें बेकी लिंच भी इसी शो पर रिटर्न करते हुए नजर आए। वहीं अगर मैं बात करूं हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर के बारे में, तो उनका भी एक तरह का काम तमाम हो चुका है खत्म WWE टाइटल पिक्चर से, और लगता है ऐसा नहीं है कि WWE एक बार फिर हमें ड्रू मैकइंटायर को इस टाइटल पिक्चर के अंदर इंसर्ट करते हुए नजर आने वाली है। तो जैसा जिंदर महल ने कहा था, या फिर वो WWE टाइटल पिक्चर की तरफ जाएंगे, या फिर जो उनका भी फिलहाल ड्रीम फ्यूड होने वाला रॉ के अंदर वो उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल रॉ के एपिसोड के अंदर जो जिंदर महल है वो मे बी ड्रू मैकइंटायर के ऊपर हमला भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं कि जो ड्रू मैकइंटायर हैं जिंदर महल हैं इन दोनों के बीच कॉन्फ्रंटेशन टाइप होगी, और इन दोनों का मैच भी हमें काफी जल्दी ऑफिशियल होता हुआ नजर आएगा, और इनकी जो शुरुआत है फ्यूड की वो मे बी हो सकती है कल के रॉ के एपिसोड से। वहीं अगर मैं रॉ के टैग टीम डिवीजन की बात करूं, तो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज आप लोग जानते हो वो है रैंडी ऑर्टन एंड रिडल की टीम, और आरके ब्रो का मेरे हिसाब से कल रॉ के एपिसोड के अंदर एक और टैग टीम मैच हो सकता है, और ये टैग टीम मैच होने वाला है कोफी किंगस्टन एंड एक्सेवियर वुड के खिलाफ। हमने देखा पिछले हफ्ते रॉ में आरके ब्रो की जो टैग टीम है वो टूटी नहीं, बल्कि रैंडी ऑर्टन ने रिडल को छोड़ के बाकी जो उस मैच के अंदर उनके टैग टीम पार्टनर थे एक्सेवियर वुड और कोफी किंगस्टन उन्हें एक एक आरके लगाते हुए नजर आते हैं। कुछ टाइम के लिए रिडल स्टन हो जाते हैं, लेकिन फिर वो जानते भाई ये रैंडी ऑर्टन है, इसका ये पूरा वाइपर वाला कैरेक्टर सदियों से WWE में चला आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जरूर न्यू डे के
मेंबर्स को चाहिए होगा एक रिवेंज टाइप आरके ब्रो यानी कि रिडल और रैंडी ऑर्टन से। तो कल रॉकी एपिसोड के अंदर मेरे हिसाब से एक बार फिर हमें आरके ब्रो एक्शन के अंदर दिखाई देने वाले और इनकी टैग टीम की यू नो जो पूरी स्ट्रैटेजी होने वाली है वो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कमाल की होगी। और मे भी जो हमारे रॉकी टैग टीम चैंपियन एज स्टार्स एंड ओमोस हैं वो भी किसी मैच के अंदर बुक होते हुए नजर आ सकते हैं। मेरे हिसाब से वो मे बी अलायंस एंड जैक्सन राइकर का फेस कर सकते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं हमारी मेन टाइटल पिक्चर के बारे में जो कि है WWE चैंपियनशिप, जहां पर हमारे बॉबी लैशली के पास अभी फिलहाल हेल इन अ सेल के लिए कोई चैलेंजर नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, ड्रू मैकइंटायर भी कितनी बार हार चुके हैं लैशली से, तो अब हेल इन अ सेल का जो रास्ता है एक तरह का साफ हो चुका है बॉबी लैशली के लिए। और अभी फिलहाल दूर दूर तक कोई टॉप सुपरस्टार नजर नहीं आ रहा है जो कि हमें फेस करता हुआ नजर आए बॉबी लैशली को, और इसलिए जो MVP है वो एक तरह की सेलिब्रेशन भी करेंगे जब बॉबी लैशली ने एक काफी कमाल के ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर टाइटल रिटेन की है। लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है जो बॉबी लैशली का नेक्स्ट चैलेंजर होने वाला है वो इसी सेलिब्रेशन के अंदर हमें इंटरप्ट करता हुआ नजर आएगा और मे भी वो सुपरस्टार हो सकते हैं द लिमिटलेस कीथ ली। इसको लेकर वैसे मैंने चैनल पर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से कीथ ली के सबसे ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि कीथ ली काफी लंबे टाइम से टीवी पर दिखे नहीं है। कीथ ली वर्सेस लैशली का मैच भी काफी कमाल का रहने वाला है, तो ऐसा हो सकता है कि सेलिब्रेशन जब होगी MVP और बॉबी लैशली की, इसके बीच में कीथ ली आएंगे और वो एक टाइटल शॉट की डिमांड करने वाले हैं। और शायद ये कुछ चीजें हो सकती हैं कल के रॉकी एपिसोड के अंदर। अभी फिलहाल WWE की तरफ से कोई भी चीज अनाउंस नहीं हुई ऑफिशियली, सिर्फ ये जो बॉबी लैशली और MVP का सेलिब्रेशन वाला सेगमेंट टाइप आप कह सकते हो ये कंफर्म हुए। बाकी देखते हैं कल के रॉकी एपिसोड के अंदर क्या होता है। मेरे हिसाब से ये कुछ वो चीजें हो सकती हैं पॉसिबल। जो सरप्राइज रिटर्न मैं यहां पर कहूंगा वो बेकी लिंच एंड कीथ ली की हो सकती है। अब इनके रिटर्न की मैं ज्यादा चांसेस इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगले महीने से लाइव ऑडियंस की रिटर्न होने वाली है और लाइव ऑडियंस की रिटर्न WWE धांसू तरीके से करना चाहेगी, और शायद इसीलिए बेकी लिंच ही थोड़े कम चांस है, लेकिन कीथ ली का मुझे कल काफी ज्यादा रिटर्न का चांस लग रहा है। तो गाइज आज की जो ये वाली वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है ऑफकोर्स आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके, यानी कि कल की रॉकी वीडियो के साथ आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।